हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि ये स्कीम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसे शॉर्ट में हम KVPY के नाम से भी जानते हैं। ये साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये अभी फॉर्म जो है इसका ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में देखते हैं पहले डिटेल में क्या क्या है रिक्वायरमेंट एंड क्या एडवांटेज है इस चीज़ का, तो हम बात कर रहे हैं वीडियो में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यह है क्या। तो जैसा कि हमने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो वो उसके द्वारा ये किया गया, स्टार्ट किया गया स्कीम है। ये स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो गया था 1999 में, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ उस बहुत ही ज़्यादा अब जाके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। पहले बहुत ही कम स्टूडेंट अप्लाई करते थे या बहुत ही कम लोगों को जानकारी था इसके बारे में, बट अब क्या है स्टूडेंट काफ़ी अवेयर हैं और बहुत सारे लोग आज के डेट में अप्लाई करते हैं। तो इसके क्या है अलग अलग मतलब लेवल है, तो वो अभी देखते हैं कि क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए कौन दे सकता है इसको मतलब एग्ज़ाम को और कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, तीन ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला स्ट्रीम है स्ट्रीम एसए। तो एसए ग्रुप में वो स्टूडेंट्स, एसए ग्रुप में क्या है वो स्टूडेंट आएंगे जो क्या है अभी 11th स्टैंडर्ड में साइंस के सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एसए ग्रुप हो गया है ना, बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो अभी 11th में वो अगर पढ़ रहे हैं तो 11th में मतलब एडमिशन के पहले जो 10th का एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने, तो मैथ और साइंस में उनका एग्रीगेट जो हो 75% होना चाहिए अगर वो जनरल या ओबीसी हैं तो, और 65% होना चाहिए अगर वो SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं। तो उसी तरह से जो सेकंड है वो है स्ट्रीम SX है। तो SX में क्या हो, SA तो अपना 11th के स्टूडेंट के लिए था, SX क्या है जो स्टूडेंट अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं है ना, अभी इस सेशन में 2020-21 सेशन में। और वो क्या है मतलब वो उनकी इच्छा है, समझ रहे हैं। मतलब ये सभी के लिए वैसे तो ये चीज़ सेम तरह है कि ये अभी 11th में पढ़ रहे हैं तो साइंस स्ट्रीम ही होना चाहिए है ना, दूसरे स्ट्रीम के बच्चे नहीं ले सकते इस एग्ज़ाम को है ना। तो इसमें क्या है कि अब अगर 12th में है तो 12th के बाद मतलब उनको ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो अंडर ग्रेजुएट जो लेंगे बेसिक साइंसेज में, तो ये इंजीनियरिंग नहीं है, बेसिक साइंसेज का मतलब हो गया आपका BSc, BS, BA स्टैटिक्स, BA बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, और इसी में जो होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है कि BSc और MSc साथ जो होता है, मतलब 5 साल का 5 ईयर्स का जो प्रोग्राम होता है। तो इसमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि 10th में आपका 75% होना चाहिए जनरल के लिए और 65% SC ST और PWD के लिए, ठीक है। और सब मतलब कि इसमें साइंस के सब्जेक्ट में है ना, और इसके अलावा 12th में उनको 60% होना चाहिए जनरल के लिए और SC ST PWD है तो 50% मिनिमम होना चाहिए, वो भी किसमें साइंस में है ना, मैथमेटिक्स एंड साइंस में, ठीक है। अब एक और ग्रुप है थर्ड ग्रुप, और ये है स्ट्रीम स्ट्रीम SB है ना। तो SB में क्या है रिक्वायरमेंट, ये जो है क्या फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएशन में डिग्री में फर्स्ट ईयर के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अभी मतलब पढ़ रहे हैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, कंडीशन ये अप्लाइड है साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है BSc, BS, BS बैचलर इन मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेटेड MSc और MS है ना, ये अभी करंट ईयर में है ना जो अगर पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा सेम कंडीशन वही जो बताया कि 12th में 60% होना चाहिए साइंस और मैथ में, और इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया है तो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में भी 60 या देंगे, तो अगर मतलब फेलोशिप स्टार्ट होने तक उनका अगर रिजल्ट आता है तो ये बेसिकली उनको 60% उसमें भी मैंडेटरी है कि लाना ही लाना है ना, अगर वो नहीं लाते हैं तो उनको फेलोशिप नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस इस बार के लिए पर्टिकुलरली क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट होना है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और ये ऑल ओवर इंडिया में अक्रॉस कंट्री क्या है सेंटर्स होंगे जिस जहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और एग्ज़ाम का डेट है संडे 31 जनवरी 2021। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था,
बट इस बार ड्यू टू कोविड इंटरव्यू नहीं होगा। ये क्या होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इस पे, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद ही क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट सिलेक्शन। तो ये अच्छी बात है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि फेलोशिप कितना मिलता है और कब तक मिलता है, तो ये देखिए आप अगर मतलब देखिए आप चाहे कोई सा भी ग्रुप से एग्ज़ाम में दें, यानी आप क्या था एस ए में दे रहे थे तो आप 11th क्लास के स्टूडेंट थे, है ना, और एस एक्स में दे रहे थे तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट थे, और एस बी में दे रहे थे तो बी एस सी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप कभी भी दो एग्ज़ाम, आप क्वालिफाइड हो भी गए, आपने क्वालिफाई कर भी लिया, तो आपको जो फेलोशिप मिलेगा वो आपको जब ग्रेजुएशन में होंगे आप तो मिलेगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू होगा आपको। क्वालिफाइड आप आज हो गए 2021 में, लेकिन आप जब एडमिशन लेंगे बीएससी में तो उस ईयर से ही आपका फेलोशिप चालू होगा। और ये अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा, मार्क्स वगैरह अच्छे आप लाते रहे रेगुलर, और कुछ आपको ईयरली एक क्या है प्रोजेक्ट भी आपको देना पड़ेगा उनको, एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा, है ना, तब जा करके आपका ये कंटिन्यू रहेगा। और ये मैक्सिमम कंटिन्यू रह सकता है आपको क्या, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स बोले तो 3 साल आपका डिग्री एंड 2 साल आपका मास्टर्स डिग्री। तो आप जब डिग्री में होंगे अंडर ग्रेजुएट तो आपको ये क्या है इतना 5,000 पर मंथ मिलेगा, और अगर आप मास्टर डिग्री में हैं तो 7,000 पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा एनुअली आपको 20,000 एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा और 28,000 इसमें मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है अगर हम बात करें तो। ये क्या हो जाएगा, ये अराउंड हो जाएगा 60K और प्लस 20 यानी कि अराउंड टोटल 80K। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। सबसे पहली बात है आपको मंथली फेलोशिप मिल जाएगा 5,000 से 7,000 के बीच में, और अपॉर्चुनिटी टू ऑफ एडमिशन टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक IISc बेंगलोर, IISER भोपाल एट्सेट्रा। ये क्या है, आप जो रैंक लाएंगे उसके बेसिस पे भी काफ़ी इंस्टीट्यूट जो हैं आज के डेट में एडमिशन्स ले रहे हैं। जैसे मेनली तो ये जो है IISc बेंगलोर जो है यही KVPY को क्या कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको और भी एडवांटेज है, जैसे कि आपका एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा जिसके बेस पे काफ़ी सारे कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज जो हैं कि अलाउ करते हैं इन KVPY फेलोज को कि उनका लाइब्रेरी और जो लेबोरेटरी होता है उनका उसको वो यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपका रिकॉग्निशन होगा इंडस्ट्री में, जब आप डिग्री वगैरह करते हैं तो आप रिज्यूम में लिख सकते हैं कि मैं KVPY फेलो हूँ, तो उसका काफ़ी अलग ही इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपको बीच बीच में जो एक अभी जोशी करके एक वो है इनका एक मतलब पूरा सभी बच्चों को बुलाते हैं वहाँ पे, फिर काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट जो हैं पूरे इंडिया के एंड इंडिया से बाहर के भी हैं, वो आ करके बच्चों को मतलब लेक्चर्स देते हैं अच्छे, मतलब काफ़ी टॉपिक्स पे, तो नॉलेज डेवलपमेंट होता है ना। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डेट क्या है इसके। तो ये तो देखिए 6 सितंबर 2020 से ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग के लिए, और इसका जो क्लोजिंग डेट है 30 अक्टूबर है। तो अभी टाइम है, आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लें जा करके अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका, मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं बेसिक साइंस में डिग्री करना चाह रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर दें, और आपका तो एग्ज़ाम डेट 31 जनवरी 2021 को, मतलब मोस्टली शहरों में ही होना ही हो, मतलब होगा, सेंटर्स होंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट जो है साइंस साइंस यानी और साइंस में भी बेसिक साइंस, तो बेसिक साइंस में होना चाहिए, और इसी से आगे चल के रिसर्च करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि आपको इन्हीं सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, आप इंजीनियरिंग वगैरह नहीं कर सकते तभी, आप जब तक डिग्री नहीं करेंगे बेसिक साइंस में तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, है ना। ये बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ दें और साइंटिस्ट बने, तो इसके लिए वो हेल्प करती है फाइनेंशियली। तो
काफ़ी अच्छा स्कीम है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो आपको तो कमेंट में लिखें, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।